Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video lecture I am going to discuss to you people about a setup, and this setup is called velocity selector or it is called velocity filter. Mere pyare respective viewers, aaj ke is वीडियो कार्यक्रम का मकसद एक सेटअप के बारे में डिस्कस करना है जिसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम से जानते हैं या जिसे हम लोग वेलोसिटी फिल्टर के नाम से जानते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू पीपल व्हाट इज दिस वेलोसिटी सेलेक्टर. अर्थात सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वास्तव में यह जो सेटअप है यह है क्या, और उसके बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ओर अग्रसरित होंगे. सो लेट अस सी वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में. जैसा कि इसका नाम दिया गया है वेलोसिटी और सेलेक्टर. सेलेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी सेटअप जिसके द्वारा सेलेक्ट किया जाए. क्या सेलेक्ट किया जाए भाई, इसी के बारे में हम तुम लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं. वास्तव में यह वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा सेटअप है जिसके माध्यम से हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं. कहां से? एक दी हुई बीम से. वह बीम किसका? वह बीम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है, और वह बीम मूव करती है यानी मोशन में होती है. और कहां मूव करती है? एक स्पेस के रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक्ट करते हैं. उनके साथ भी एक कंडीशन लगी होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हुआ करते हैं, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं. आई मीन टू से दैट if in a region of a space both electric field as well as magnetic field exist in such a manner that both fields act at right angle to each other, then in such a situation the field is called crossed field. प्यारे बच्चों, प्यारे viewers, मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पेस के किसी रीजन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट करें, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन लागू होती है कि ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करते हो, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फील्ड को क्रॉस फील्ड के नाम से जाना जाता है. तो यह जो सेटअप है जिसे हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं या फिर वेलोसिटी फिल्टर के भी नाम से जाना जाता है. फिल्टर का मतलब समझते हो, तो मुख्य रूप से यह वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा सेटअप है जिसके माध्यम से एक चार्ज पार्टिकल को हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ ये शर्त है कि वह जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक बीम से, चार्ज पार्टिकल के एक समूह से, एक बीम से सेपरेट आउट करते हैं, अलग करते हैं, जबकि उस बीम को एक क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक क्रॉस्ड फील्ड से फ्लो करा जाता है, या उस चार्ज पार्टिकल को, उस बीम को उस क्रॉस्ड फील्ड से प्रवाहित कराया जाता है, मूव कराया जाता है. सो लेट अस सी. हमने पहले इसके बारे में बताया है
कि वास्तव में ये वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है। मैंने डिफाइन किया कि इट इज अ सेटअप बाय विच वी सेलेक्ट अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी व्हेन द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू मूव थ्रू अ रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। अब हमने क्रॉस फील्ड के बारे में भी डिस्कस कर दिया। अब इस वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर के एप्लीकेशन की बात करें, यह जो वेलोसिटी सेलेक्टर है मुख्य रूप से इसके दो यूजेज होते हैं। पहला जो यूज है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका उपयोग किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग जो आयंस होते हैं तो उनमें से आयंस को हम लोग एक ऐच्छिक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज वाले आयन को अलग करते हैं। दूसरी इसका उपयोग इट इज यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज का यहाँ तात्पर्य यह है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल हो और उस पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड में उस चार्ज पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दिया जाए तो जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसके हमने दो एप्लीकेशन बताया। पहला एप्लीकेशन वेलोसिटी सेलेक्टर का उपयोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के फील्ड में किया जाता है, अर्थात मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यह जो होता है या मास स्पेक्ट्रोस्कोप यह जो है वेलोसिटी सेलेक्टर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो और उसके स्पेसिफिक चार्ज को डिटरमिन करनी हो तो इस सेटअप के द्वारा हम लोग ये टास्क को का अंजाम दे सकते हैं। अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। चूंकि हमने लिखा है वी सिलेक्ट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी वह जो चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इस बात पर चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में तुम देख सकते हो दो मेटल के प्लेट्स लिए गए हैं। एक प्लेट को हम कैपिटल एक्स से मार्क किए हैं जो कि ऊपर में है और नीचे यहाँ पर एक मेटल प्लेट है जिसको हमने कैपिटल वाई से मार्क किया है। अब हम करते क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन दोनों प्लेट पर सप्लाई करते हैं। मान लिया जाए कि यह जो प्लेट एक्स है इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया और उतना ही चार्ज ये जो नीचे वाला प्लेट है जिसको हमने वाई से डिनोट किया है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पर सप्लाई किया, लेकिन फर्क ये है कि यह जो प्लेट है नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और यह जो प्लेट है यह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पर हमने फील्ड लाइंस को खींचा है और ये फील्ड लाइंस चूंकि स्ट्रेट लाइन है, यूनिडायरेक्शनल है, इक्वी सेगमेंट है, तो ये बता रहे हैं कि इन दोनों मेटलिक प्लेट्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब हमने यहाँ पर तुम देख सकते हो सर्किल बनाया गया है और ये सर्किल में क्रॉस का सिंबल दिया गया है। ये जो क्रॉस सिंबल है ये बता रहे हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा ही और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है इनटू
टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इट इज एक्टिंग अलोंग इट इज एक्टिंग इन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर की डायरेक्शन में यह मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम कल्पना करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया वह उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल ई न्यूटन पर कूलम है और यह जो क्रॉस सिंबल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाया गया है इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वह कैपिटल बी टेस्ला है। ध्यान दिया जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया उसकी स्ट्रेंथ कैपिटल ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया और इस क्रॉस सिंबल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है जिसको हमने दर्शाया है इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी टेस्ला है। यह रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और यह रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी है अर्थात ये दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन दोनों फील्ड का जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये दोनों फील्ड जो है तुम देख सकते हो फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब कल्पना किया जाए कि एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल यहां पर देख सकते हो एक रीजन थोड़ा सा गैप छोड़ा गया है और यहां से एक बीम चार्ज पार्टिकल का समूह बीम से यहां तात्पर्य बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से मिलकर के एक समूह हुआ उसी को हम बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहां से एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को इसमें प्रविष्ट कराया जाता है। यदि बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को इसमें इस रीजन में प्रवेश कराया जाता है कल्पना किया जाए कि एक चार्ज पार्टिकल जिस पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वह क्यू के बराबर है। अब स्वाभाविक सी बात है कि वह जो चार्ज पार्टिकल है अगर इस रीजन में प्रविष्ट करती है जिस पर चार्ज क्यू है निश्चित रूप से उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मान लिया जाए कि वह चार्ज पार्टिकल इस रीजन में जब प्रविष्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी भी के बराबर है। तो हमने क्या माना कि भाई चार्ज जो है पार्टिकल पर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वह क्यू के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वह कितने के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी वैल्यू कितनी है भाई कैपिटल ई न्यूटन कूलम है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम फील्ड स्ट्रेंथ इसकी वैल्यू कैपिटल बी टेस्ला है और चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से इस रीजन में प्रविष्ट कर रही है वह वेलोसिटी मान लिया जाए कितना है भी के बराबर है वेलोसिटी इज इक्वल टू भी। अब जैसा कि तुम जानते हो कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में प्रविष्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। स्वभावतः यह जो चार्ज पार्टिकल है इस फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पर एक फोर्स कार्य करेगा और वह जो फोर्स कार्य करेगा माना जाए वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई से डिनोट करे और वह एफ ई जो होगा बराबर होगा क्यू टाइम्स ई और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन से डिनोट करें। अब चूंकि वही चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में भी प्रवेश कर रही है चूंकि दोनों फील्ड हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स कार्य करेगा जिसके बारे में तुम पढ़े हो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स उस फोर्स को हम लोग एफ एम से डिनोट करें तो एफ एम बराबर होगा कितना क्यू इंटू भी इंटू बी और इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ध्यान दिया जाए यहाँ वेलोसिटी वेक्टर भी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री होगी और ऐसी स्थिति में इस चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स कार्य करेगा और वह फोर्स एफ एम बराबर क्यू इंटू भी से दिया जाएगा।
अब इन दोनों फोर्स के डायरेक्शन की हम बात करें, चूंकि फिल्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तुम देख सकते हो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फील्ड के द्वारा जो फोर्स एफ ही लगा, इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर, फिल्ड लाइंस के डायरेक्शन में। लेकिन जब हम मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स की बात करें, तो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, जिसके बारे में हमने बताया था कि इस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दिया जा सकता है, और यदि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम अप्लाई करें, तो हम ये पाते हैं कि इस परिस्थिति में जो चार पार्टिकल पर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो ये फोर्स एफ ही है, उसका डायरेक्शन फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू लोअर डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, उसका डायरेक्शन फ्रॉम लोअर डायरेक्शन टू लोअर पोर्शन टू अपर पोर्शन, यानी नीचे से ऊपर की ओर होगा। अब यह बात स्पष्ट रूप से चिन्हित होती है कि ये दोनों ही फोर्सेस एफ ई और एफ एम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। अब हम ऐसी स्थिति परिस्थिति लाते हैं, कल्पना किया जाए कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो यदि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों के द्वारा दिया जाने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो क्लियर है कि ये दोनों ही फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो यदि हम ऐसी स्थिति परिस्थिति को पैदा कर दें कि इन दोनों ही इक्वेशंस के द्वारा ये जो दो फोर्सेस दिए जा रहे हैं, डिफाइन किए जा रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो जाए, और यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, तो क्या करेंगे भाई, हम ये दोनों फोर्सेस को बराबर कर दें, और यदि दोनों फोर्सेस को बराबर करें तो हमें क्या मिलेगा, क्यू इंटू ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू भी इंटू बी, क्यू दोनों तरफ है, इस तरह से यहाँ कट जाएगा, और यदि वी की वैल्यू यहाँ पर हम निकालें तो यह वैल्यू ई बाई बी के बराबर होगा। इस फॉर्मूलेशन गौर किया जाए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, कुछ इस तरह से ये फील्ड को जनरेट करें, इस तरह से ये दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करें, ताकि इन दोनों के चलते फोर्सेस जो एक्सपीरियंस किया जाएगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और यह यदि स्थिति परिस्थिति लागू होती है, तो ऐसी स्थिति में भी बराबर ई बाई बी, यानी जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, जो भिन्न भिन्न वेलोसिटी से इस रीजन से होकर के मूव कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल से वह चार्ज पार्टिकल हमको मिल जाएगा जिसकी वेलोसिटी भी बराबर ई बाई बी से दिया जाए। यह वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक अपनी व्यवस्था है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिएट करेंगे, ताकि दोनों के द्वारा जो फोर्सेस एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उन तमाम चार्ज पार्टिकल्स में से वह चार्ज पार्टिकल हमको मिल जाएगा जिसके लिए जिसकी वेलोसिटी भी बराबर ई बाई बी, यानी
ए और बी दोनों के रेशियो के द्वारा प्राप्त होती है, और वह चार्ज पार्टिकल निश्चित रूप से जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते अनुभव करेगी उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के चलते अनुभव करेगी, और वह चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से बिना डेविएट किए हुए क्या होगा, वह सीधे यहां से निकलेगी, और ये यहां पर एक स्लिट रखा गया है और इस स्लिट से होकर के क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से इस व्यवस्था के द्वारा हमें वो खास चार्ज पार्टिकल मिल जाती है जिसको हमें एक जिसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्राप्त हो, वही चार्ज पार्टिकल हमको मिलती है। यह वेलोसिटी सिलेक्टर जो है इस तरह से, यह वेलोसिटी सिलेक्टर एक सेटअप हुआ जिसके माध्यम से तुम लोग देख लिए किस तरह से हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट आउट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं। ओके, थैंक्स।